दूसरा कुंडियों का पुस्तक 11 अध्याय का 1 से 15 तक हम पढ़ेंगे। यदि तुम मेरे थोड़ी सी मूर्खता सह लेता हो तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय ढूंढ लगाए हैं रखता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है तुम्हारे पवित्र कुमारी के समान मसीह के सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसा सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इनको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाए? मैंने अन्य कलीसियाओं से लूटा, अर्थात मैंने उनसे मंजूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं, और जब मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हें घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदोनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर बात बनने से रोका और रोक के रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अकाया देश में कोई मुझे इस गमन से न रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर ही जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा। कि जो लोग ताव ढूंढते हैं उनमें ताव पाने न दूँ, ताकि जिस बात में ये गमन करते हैं उसमें ये हमारे ही समान ठहरेंगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और चल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप डरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का से रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रभु यीशु का नाम से और एक बार प्रभु का चरणों में हम आते हैं। हम यहाँ एक बातों को हम पढ़ते हैं, तो हमारा फेवरेट वचन है 14 को हम पढ़ेंगे हमेशा जो हम पढ़ते हैं। एक कुछ अचंभे नहीं है, अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान अब भी स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा। हमारा लाइफ में, हमारा क्रिश्चियन लाइफ में एक चीज को हमको समझना है, शैतान भी स्वर्गदूतों के रूप लेके वो आ सकता है, वो आता है। ये जब हवा को शैतान ने भरमाया, वो शैतान के रूप में नहीं गया, वो सर के रूप में गया। जो चीज उसको अच्छा लगता था, जो चीज जो बात करेगा तो वो सुनेगा, उसी के रूप लेके शैतान गया।
उसके अंदर से गया, उसके अंदर घुस के गया। शैतान हमारा पास मसीह लो, हमारा पास शैतान, शैतान के रूप लेके नहीं आएगा, हमारा पास शैतान। हम जिसका बात हम सुनेंगे, जो बात हमको अच्छा लगता है, जिसको हम ज्यादा आदर करते हैं, मान करते हैं, उसी का नाम लेके, उसी का रूप लेके वो आता है। यदि कोई वो अलग प्रकार के कपड़ा पहन के, अलग प्रकार के हाथ में हथियार रह के आपके पास आप आएगा, वो रंग से आप पहचान लेंगे ये हमारा नहीं है। उसके बातों से आपको, उसका हाथ में जो बुक है, हथियार है, उसमें से आप पहचान लेंगे ये हमारा नहीं है, इसका बात हम नहीं सुनना है। लेकिन आपके पास आने वाला ऐसा लोग आते हैं, आप जिसको मानते हैं, हम जिसका बात आप बहुत सुनते हैं, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उसका रूप लेके आपके पास आते हैं। इसलिए हर एक मसीह हम सावधान रहना हमको जरूरी है। हम हमारा घर के अंदर आने वाला कौन है, हमारा साथ बात करने वाला कौन है, हम यीशु का इधर हम ऐसा एक जहां ऐसा हम पढ़ते हैं, यहाँ पौलुस को एक बहुत बड़ा से डर था हमारा लोग परमेश्वर से अलग ना हो जाए। परमेश्वर के लिए तो मैं एकदम एक कुवारी जैसा, प्रभु परमेश्वर के लिए कोई दाग के बिना प्रभु प्रभु के हाथ में हम सौंपना चाहते हैं। प्रभु मेरा हाथ में दिया हुआ मेरे लोगों को परमेश्वर के हाथ में, प्रभु के आगमन तक संभाल के उसका हाथ में मैं सौंपना चाहते, ये उसका हृदय का अंदर था। लेकिन पौलुस के सेवा के अंदर दूसरा तीसरा घुस गया, वो लोग ऐसा प्रचार करता था जो पौलुस प्रचार नहीं किया, ऐसा एक यीशु मसीह के बारे में वो लोग बोलता था, जो आत्मा का बात करता था वो पौलुस ने नहीं बोला है, बाइबल नहीं बोला है, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दूसरा और एक आत्मा है। पवित्र आत्मा के नाम बोल के और भी कुछ आत्मा है, उसको परखना हमारा काम है, हमारा जवाबदारी है, हमारा कर्तव्य है, वो सारी चीज। ये क्या चीज है, ये क्यों ऐसा होता है? इसी प्रकार पवित्र आत्मा करेगा, ऐसा कर सकता है परमेश्वर? ये सब जो है, हर एक मसीह हम आपको जो बुराई जैसा लगता है उसमें से आपको दूर होना आपका जरूरी है। हर एक मसीह का काम है, ये सच है क्या झूठ है वो आप उसको फर्क है देखना है। आप एक कपड़ा भी जाते हैं, आप दुकान का कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, आप जांच के देखते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, ये कपड़ा डिग्जम का है नहीं तो जो है डिग्जम का लेबल लगा के रखा है, नहीं तो पेट्रोल डालते हैं तभी आप वो देखते हैं, इसका एवरेज क्यों ऐसा घट गया है, ये पेट्रोल बल्क में पेट्रोल डाला था क्यों ऐसा हुआ है। हम सारे चीजों को सोच के समझ के करते हैं, क्यों ऐसा मसीह जीवन में नहीं है। सारी चीज हमके बच्चों को स्कूल में डालने का समय में बहुत ध्यान से जो है आप देखते हैं, कौन सा स्कूल है, उसमें कितना परसेंटेज आया, लास्ट ईयर में कितना परसेंटेज उसको जो है सक्सेस हुआ है, कितना परसेंटेज मिला है, ये उसके पहला साल में कितना मिला, इस साल में कितना मिला, आप खुद सोचते हैं। चार बार उसका बारे में आपका फ्रेंड सबके पास आप पूछते हैं, पूछने के बाद आप आपके बच्चों को जो है उसमें लगाते हैं, स्कूल पे डालते हैं, एक हॉस्पिटल में ले जाना है, कौन सा डॉक्टर अच्छा, वो डॉक्टर अभी प्रेजेंट में है क्या नहीं है, वो कभी कभी ऐसा हॉस्पिटल में आप इतना पूछ परछ करते हैं, कौन सा डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल अच्छा है लेकिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर अभी प्रेजेंट में है, इतना बजे वो मिलेगा, वो सारा चीज आप पूछते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन में क्यों हम ऐसा रहते हैं, क्यों हम आलस रहते हैं, कोई भी आए, कोई भी बोले, कोई भी कुछ भी हम सुनेंगे, ऐसा क्यों हम रहते हैं, क्यों हम उसको ध्यान नहीं देते, क्यों हम उसको वैल्यू हम नहीं समझते हैं। ये तो बहुत आश्चर्य बात है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है क्यों जैसे क्यों लोग जो है प्रभु का राज्य में, परमेश्वर का काम में इतना आलसी क्यों रहता है, मुझे मालूम नहीं है। यहाँ ये एक चैप्टर में 15 कलम तक जो उसमें देख सकते हैं, झूठा प्रेरित एकदम चतुराई से काम लेने वाला, प्रेरित का सेवक का रूप लेके आने वाला, ऐसा लोग जो है ऐसा घूमते फिरता था। यही पौलुस को जो बहुत डर लगा, क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया बिगड़ ना जाए, एक सच्चा सेवक के मन में ये डर रहता है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर ना हो जाए, वो सहन नहीं कर पाएंगे, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो भटकाएगा, वो बहुत बोलेगा, वो उसका वो सहन नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर का हृदय जैसा रहता है। परमेश्वर अपने बच्चा अपने बेट परमेश्वर से दूर गलत रास्ता पे जाने के समय में सच्चा जो है बर्बाद, अच्छा जो है चरवा, वो तो कुछ तो करेगा, वो जो है वो उसका नजर के सामने एक बकरा नहीं तो गाय कुछ भी है,
एकदम रास्ता बट के दूसरा जिसमें चला गया तो वो जाने नहीं देगा, भले भले जो हो वो पैर तोड़ देगा लेकिन वो किसी का शिकार बनने के लिए वो छोड़ेगा नहीं। वो ऐसा शिकार बन गया तो वो रोएगा भी। ऐसे एक अच्छा सेवक के मन में ऐसा रहते हैं, परमेश्वर परमेश्वर अपने खून से खरीदा हुआ परमेश्वर का लोग गलत मार्ग में जाते हुए वो सहन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, उसको बहुत दुख लगता है। इसलिए पौलुस यहाँ डरते हैं, क्यों डरता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से दूर ना हो जाए, ऐसा उसको बहुत डर लगा। यहाँ हम और एक चीजों को हम पौलुस का लाइफ में से हम देख सकते हैं। पौलुस क्यों किसी प्रकार कलीसिया में कुरिंथ कलीसिया में सेवा किया उसको हम देख सकते हैं। पहला जो है पौलुस अपने आप को नम्र किया है, कलीसिया को ऊंचा किया है, लोगों को ऊंचा किया है। इसका मतलब वो पहला शुरुआत में सब कुछ उसने किया होगा, मैट डाला होगा, सब कुछ उसने किया होगा। धीरे 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 एक फादर अपने अपने कामों को अपने बच्चों का हाथ में सौंपते हैं, वैसा पौलुस अपने कलीसिया को धीरे 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 ऊंचा किया, बढ़ाया। कभी कभी क्या हो जाता है कलीसिया में, इसी प्रकार हम उसको डेवलप करते हैं, उसको उसको आगे लेके आते हैं, वो उसके ऊपर ही शैतान पूरा फोकस लगाते हैं, नहीं तो झूठा लोग कपट लोग उसके ऊपर ही नजर आते हैं। ये आत्मीय की तो कैसा भी करके ये पास्टर से हमको हमारा कलीसिया में ले जाना, हमारा पास ही लेके आना है, ये पास्टर से अलग करना है करके उसको ऊपर रखता है, नजर रखता है। ऐसा लोग जो है आलसी लोग है, इसी प्रकार ही करते हैं। एक अच्छा फादर, एक अच्छा एक पापा है, अपने बच्चे अच्छा रहे, वो आगे आए और मेरे से ज्यादा पढ़े सीखे और मेरे से ज्यादा जो हो काम करें, अच्छा कमाए, अच्छा परिवार रहे, उसका अच्छा सेवा। एक अच्छा पास्टर का मन में अपने कलीसिया में रहने वाला लोग भी अच्छा एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करे, ऐसा भी रहता है। एक कोई भी ऐसा माँ बाप ऐसा नहीं रहते मेरा बच्चा शादी नहीं करे, ऐसा ही रह जाए मेरा पास, ऐसा नहीं रहता है। अच्छा माँ बाप के मन में रहता है मेरा बच्चा बढ़े सीखे पढ़े कमाए, वो उम्र हो जाएगा तभी जो है वो अच्छा एक मैरिज करके अपने लाइफ जो है वो जिए, तो अपना वो खुद खुद उसका लाइफ को जिए, ऐसा भी उसका हाथ में रहता है। सब माँ बाप का मन में रहता है, सबका माँ बाप का दिल की बात यही रहता है, मेरा बच्चा अपने परिवार संभाले, अपना परिवार करे, मैं मेरा काम करते रहूंगा, मेरा से कितना होगा उससे हम बोझ नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मेरा बच्चा भी अपने परिवार के साथ रहे, उसका बच्चा हो जाए, उसके हम मेरा पोता पोती को देखेंगे। इसी प्रकार हर एक फादर हार्टेड पीपल एक पिता के समान जिसका हृदय है उसका मन में इसी प्रकार रहते हैं। चलो वेरी गुड वेरी गुड, आप अच्छा जो है सीख लिया है, अभी जो अभी परमेश्वर आपको अच्छा मिनिस्ट्री दिया, यस वेल डन गुड, अब अपने सेवा को आप स्टार्ट करो। शुरुआत में वो फादर ही वो सारे चीज करके देता है, जमीन लाके देता है, वो मकान मकान बनाने के समय में मदद करते हैं, बाकी जो है वो ऐसे ही धीरे धीरे वो अपने काम पे आ जाते हैं, वो उसका काम पे, जब उसको ज्यादा तकलीफ पड़ेगा तभी वो हाजिर में रहेगा, जाके देखेगा, साल में एक बार जाके देखेगा, हाँ वेल डन गुड, बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा से बना लिया, बहुत गुड, बहुत ऐसा शाबाश करके उसको एनकरेज करके वो आता है। वो एक फादर का हाथ है, ऐसा अच्छा पास्टर का हाथ भी ऐसे रहता है, हाँ तुमने सीख लिया है, यस गुड, ऐसा करके उसको एनकरेज करता है, उसको एनकरेज करके आगे ले जाते हैं। ये अच्छा एक पास ऐसा था पोलोस, हम ये बोलने के लिए आया, वो अपने आप को नम्र किया, अपने कलीसिया के लोगों को ऊंचा किया। सेकंड जो है हम पोलोस का कैरेक्टर हम इसमें देख सकते हैं, वो मफत में फ्री फ्री में सुसमाचार सुनाए, कोई किसी के पास कोई ए पास्टर पोलोस ऐसा है वो किसी के घर पे जाके विजिट करता है ना, कभी कोई पैसा नहीं लेता है, वो जाते हैं बैठते हैं चाय पीते हैं, वो चाय दिए कि नहीं दिए मालूम नहीं, लेकिन अभी का हिसाब से चाय चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, पोल के लिए प्रार्थना करते हैं, वो आ जाते हैं, कोई सिस्टम वो फॉलो नहीं करते, बाकी लोग जो करता था वो ऐसा नहीं करते, पॉलोस का यही था, बाकी लोग आके पैसा 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 सब जो है करके ले जाते हैं, वो लोग को देता है, हमारा लोग क्यों ऐसा करता है, ये पैसा के लिए कुछ भी नहीं करता है, हमने गलती किया। कभी कभी पॉलोस ऐसा सोचते हैं, मैंने गलती किया, लोगों से हम पैसा डिमांड नहीं किया, ये मेरा मिस्टेक है, मैं चर्च बनाने के समय में नहीं तो हमारा परिवार के लिए
मेरा परिवार में इतना जरूरत है, मेरा नया गाड़ी लेना है, गाड़ी तो बहुत पुराना हो, ऐसा तो मैं कुछ डिमांड नहीं किया। ये इट इज माय मिस्टेक, ये मेरा गलती है करके पोलोस कभी कभी सोचता था। हाँ, वो पोलोस भी, अभी अभी का पोलोस भी वो ऐसा सोचते है, मेरा गलती है। मैं तो ऐसा चाहता, मैं मेरा लोगों को कुछ बोझ न रहे, ऐसा मैं चाहता था। ये पोलोस ऐसा एक डेडिकेटेड व्यक्ति है, कोरिंथ में सेवा किया, लेकिन कोरिंथ चर्च के पास कोई पैसा नहीं लिया है, उसका खुद का पैसा डाल के, उसका फ्रेंड्स, उसका लोग, पहचान वाला लोग जो पैसा दिया, वो पैसा उसमें डाल के वो सेवा किया। कितना अच्छा सेवा कर देगी वो, अपने डिग्निटी छोड़ के सारे काम वो कलीसिया के लोगों के लिए करके दिया। कलीसिया का लोग अच्छा रहे, वो उसका मन में था। कलीसिया का लोग से कुछ उसको कोई जरूरत पड़ा, उसका कपड़ा का है, गाड़ी का, कपड़ा का, साड़ी का, कुछ भी जरूरत पड़ा, अपने मुंह खोल के कुछ भी बात नहीं करता था, कुछ भी बताता नहीं था, मुझे ऐसा जरूरत है। बाकी बाकी जो सेवक लोग है जैसा बोलते हैं, हमको वो जरूरत है, हमको इतना जरूरत है, ये महीना में इतना आया, वो महीना में इतना आया, ऐसा तो ये कुछ भी नहीं बोलता था। दस सब्स के बारे में तो ये पास्टर पौलुस जो कुछ भी नहीं बोलता था, ऑफरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोलता था। ऑफरिंग देने वालों को एक अलग प्रकार, ऑफरिंग नहीं देते हैं उसको अलग प्रकार, गरीब लोग अलग प्रकार, पैसा वाला लोग इस तरह बात जाओ, उसके साथ बातचीत करेंगे, इसके साथ बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पास्टर पौलुस, पास्टर पौलुस बाइबल का पास्टर पौलुस है, पौलुस बहुत जो है बहुत अच्छा, जो है अच्छा, एक रियल गुड गॉड सर्वेंट, बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवक। हाँ, उसका लाइफ में कुछ भी कमी कटी हुआ, लेकिन वो किसी को बताया नहीं। और इसने ऐसा भी किया है, जो बहुत ध्यान से अपने लाइफ में बहुत ध्यान रखा है, किसी का मैं बोझ ना बनू। अब बस मेरा पास जो है उसमें मैं मेरा परिवार चलाऊंगा, मेरा घर चलाऊंगा, मेरा जो कुछ भी है, हम किसी का बोझ नहीं बनना। मैं सेवा के लिए आया, मैं सेवा करने के लिए आया, मैं यीशु को बताने के लिए आया, मैं यीशु को देने के लिए आया, मैं यीशु जैसा लोगों को बड़ा करने के लिए मैं आया, बस उसका दर्शन में वही था। और पॉलस का लाइफ में दूसरा एक पास, पॉलस का लाइफ में ऐसा एक चीजों का हम देखते हैं, वो उसको कोई उंगली नहीं दिखा सके, ऐसा ही उसका जीवन था। उसका कोई भी चीजों में, पैसा का मामला में, मॉरल लाइफ में, उसका फिर कोई भी चीजों में, टीचिंग में, कोई भी चीजों में, उसका ऊपर रहने वाला नहीं तो उसके नीचे रहने वाला, नहीं तो उसके साथ चलने वाला, कोई भी उसको उंगली नहीं दिखा सकते हैं। उसको ऊपर रहने वाला बड़ा प्रेरित लोग भी उसको नहीं बोल नहीं पाया, उसका नीचे रहने वाला कलीसिया का लोग भी और दुनिया का लोग भी उसको एक उंगली भी नहीं दिखा सका। ये ऐसा है, उसको तो मैं वो जगह पे देखा था, इसने पैसा का ऐसा किया था, वो किया था, कुछ भी कोई भी चीजों में कुछ दोष लगा, वो उसने बहुत बहुत ट्राई किया होगा, बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन कोई कुछ पाए, कुछ गलती उसमें से पकड़ नहीं पाया। ऐसा इसी प्रकार जो है वो एक सेवक पास्टर पावलोस, उसका लाइफ में ही वही डरता था, वो ये बात करता था, शैतान भी स्वर्गदूतों के रूप लेके आता है, थोड़ा सावधान आप रो, ऐसा करके उसने वार्निंग वो कलीसिया को दिया है, क्योंकि झूठा लोग, अच्छा लोग जैसा ही आके वो काम करते हैं। हम एक चीज को मैं देखा है, ये डुप्लीकेट ना, डुप्लीकेट नकली, नकली असली से भी बहुत अच्छा लगता है। एक एक कैसा है मुझे वो मालूम नहीं पड़ा, हम एक असली गोल्ड चेन हम रखेंगे, एक नकली गोल्ड चेन रखेंगे, हम ऐसा दोनों को एक ही डिजाइन में रहेगा, वो देखेगा ना, आप असली को पसंद नहीं करेंगे, नकली को पसंद करेंगे। वो असली से भी बहुत जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव रहता है। हमेशा ये डुप्लीकेट वर्कर्स है ना, डुप्लीकेट नकली सेवक लोग है ना, वो असली से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद मालूम पड़ता है, 3-4 साल के बाद मालूम पड़ता है, पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगा, उसके बाद वो नकली उसका रंग बता देते हैं, असली हमेशा ऐसा ही रहता है, वो हिलता नहीं है, वो असली और नकली का जो है, उसलिए वो बच्चन ऐसा फिनिश किया है, समय बताएगा, पर मैं उसका काम जो है बताएगा, लेकिन काम बताएगा वो तो सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, काम बताएगा उतना में जो है बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम वार्निंग करते हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं, हाँ आप असली के साथ रहो, नकली में मत पड़ना,
वो लोग आएंगे ऐसे ही मीठा मीठा बात करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो ही बात करेंगे, आपको आप जो टेढ़ा मार्ग में जाते हैं उसका बारे में नहीं बोलेगा, प्रभु से आप दूर जाते हैं, आप पाप करते हैं, सीक्रेट सीक्रेट गुप्त में आप प्रभु के विरोध में काम करते हैं, प्रभु को पसंद नहीं ऐसा चीज सब करते रहते हैं, नहीं तो आप आपको मालूम नहीं है गलती है, इट इज मिस्टेक, गलती है करके मालूम नहीं है लेकिन आप करते रहते हैं, लेकिन उसका बारे में वो टच नहीं करेगा। एक रियल मैन ऑफ गॉड और सच्चा एक परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन से प्रभु के राज्य के लिए स्वर्गीय के अवर कोई भी विश्वासी को ले जाएगा, लेकिन एक छोटा सेवक उसको जो अच्छा लगता है उसी प्रकार वो बात करेगा, उसमें से क्लियर कट जो है हमको मालूम पड़ जाएगा, उसका मोटिव ये रहेगा, एक अच्छा सेवक का मन में ये रहेगा, ये लोग स्वर्ग में रहे, ये लोग परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी पात्र बने, वो उसका मन में रहेगा। एक झूठा सेवक है उसका मन में इसी प्रकार उसको जो अच्छा लगता है उसी प्रकार में बात करके उसका उससे अच्छा नाम लेगा, उससे अच्छा नाम कमाएगा, उसका पैसा नहीं तो उसका पोजीशन को बढ़ाएगा, उसका पैसा को लूटेगा, उससे सब लोगों से मीठा मीठा बात करके सबको हाय हेलो बोल के हमको लास्ट में आपको नरक में भेज देगा। प्लीज बी केयरफुल, बहुत थोड़ा सावधान आप रहना है। अच्छा, आपको परमेश्वर आपकी इच्छा के आप रियल में प्रभु का राज्य में चलना चाहते हैं, नहीं तो रियल में आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, नहीं तो रियल परमेश्वर का राज्य को आप आपके विस्तार में आपके एरिया में एस्टेब्लिश उसमें लेके आना चाहते हैं, तो आपको उसी प्रकार के पास्टर को प्रभु देगा। आप ऐसा हिलते मिलते रहेगा तो उसी प्रकार का लोग आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। कभी कभी खराब करने के लिए झूठा लोगों को शैतान बेच देते हैं, हमारा मन को खराब करने के लिए, हमारा हृदय को प्रभु से अलग करने के लिए, टेढ़ा मार्ग में हमको छड़ाने के लिए, प्रभु के इच्छा से हमको दूर जाने के लिए। लेकिन हर एक मसीह का लोगों को समझना जरूरी है, रुक के प्रभु से पूछना है क्या सही है क्या गलत है। हम रुक के हम पूछेगा तभी सारे चीजों में हमको प्रभु की आत्मा हमको हमेशा बराबर जो हमको अगुवाई करेगा, हम अच्छा जगह पे पहुंचेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर हमको आशीर्वाद करे। स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। पौलुस को एक ही डर था, मेरा लोग जहां कहां परमेश्वर से अलग हो जाए, यही उसका डर था, और रात की दिन की वेदना दर्द यही था, मेरा लोग कैसा भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक पवित्र रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, ये उसका बोझ था, डर था, उसके हिसाब से वो काम कर रहा था। लेकिन आज भी परमेश्वर आज ये दुनिया में पौलुस जैसा जो सेवा करते हैं उस लोगों के मन में भी यही रहता है, मेरा लोग खराब नहीं हो जाए, मेरा लोग कैसा भी प्रभु का राज्य के उपयोगी पात्र अपने, इतना साल मैंने मेहनत किया प्रभु का राज्य के लिए, मैं मेरा पैसा को डाला है, मैं मेरा सारे चीजों को इसमें इन्वेस्ट किया है, ये लोग अच्छा रहे करके प्रभु वैसा ही उसका हिच्छा को पूरा कर ले परमेश्वर, आशीर्वाद कर लो प्रभु, अच्छा लोगों का हृदय जो है एकदम टूट ना जाए परमेश्वर, उसको प्रभु हमेशा ताजा करे है प्रभु, उसका हृदय को संतोष परमेश्वर आप कर जो आप रख दो परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, आशीर्वाद करें, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपके महिमा रहे, आज ये वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर शैतान के चतुराई से परमेश्वर उसको बचा लेना परमेश्वर, आपकी महिमा से परमेश्वर उसको भर दो, झूठा सेवक के समझने के लिए प्रभु ज्ञान बुद्धि दे दो प्रभु, परमेश्वर के सेवक करके बोल के हाथ में बाइबल लेके ऐसा घूमते फिरते रहने वाला लोगों को पहचान पाए परमेश्वर, क्या सच है क्या सही है क्या चीज है, वो सारी चीज समझ सके परमेश्वर, मैं यहाँ तक बढ़ने के लिए मेरा पास्टर कितना मेहनत किया, वो सारे चीज समझ सके परमेश्वर, प्रभु आशीर्वाद कीजिए, सारे आदरों महिमा सब कुछ आपको मिले, यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।